वालेकुम दोस्तों मैं मंजर अब्बास और तुसा मेरा चैनल रह मंजर प्रतीसी तो दोस्तों मैंने पहले भी बहुत वीडियो बनाई हैं पर ये उन वीडियो से वीडियो है तो पहली बात यह है कि इस वीडियो तक इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपकी वो कोई बात समझ में आए और आपको ये वीडियो सुनने का और वीडियो देखने का कुछ फ़ायदा मिल जाए और कुछ इसको हासिल हो जाए और कुछ तुम जान लो या सुन लो या देख लो तो दोस्तों इस वीडियो में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्ची आप देख रहे हो स्क्रीन पर मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लिय और लाइक कर देना और घंटी वाले बटन को प्रेस कर देना ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुँच सके तो इस वीडियो में मैं कुछ अजीब ही कहना चाहता हूँ कि आप सुन के ईरान हो जाओगे ये बच्ची रहीम यार खान की है तो इसके बाप ने इसको पाँच फायर लगाए हैं जिस जो अभी पुलिस की हिरासत में है रहीम यार वाली पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है वो फ़ैसला सुना रहे हैं तकरीबन उस मारने वाले को उस कातिल को उसका उम्र है तकरीबन इक्की बाईस साल तो दोस्तों उसने अपनी बच्ची के साथ बहुत जुलम किया है बहुत ज़्यादा किया है हम सुन के सुन के और सोच के बहुत हरियाणा हैं कि हम भी शादीशुदा हैं और मेरे जैसे कई लोग भी शादीशुदा हैं पर उनको ऐसा नहीं करना मैं ख़ुद भी शादीशुदा हूँ मैं ख़ुद शादीशुदा हूँ तो मेरे दोस्तों जाने वाली बात है अगर एक बच्ची जन्म ले लेती है इस दुनिया पे उसको ला रब ताला पैदा कर देता है तो बाप ऐसा नहीं कर सकता जो रब ना चाहे होगा वो ही जो मालिक चाहेगा वो ऊपर वाला चाहेगा ये देखो ये बच्ची है ये बच्ची स्क्रीन पर है इसका क्या गुनाह होगा और उसने जो इसको मार दिया इसकी माँ के क्या हाल हो गए इसकी माँ के दिल पर क्या गुजर रही हो कि छोटी सी बच्ची को उसने मार दिया ना 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 भाई हम तोबा करता है हम ख़ुद तोबा करता है तो दोस्तों ये बहुत हरियाणी वाली बात है पहली बात तो ये है कि उस उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था वो कहता था कि मुझे बेटी हुई तो मैं कत्ल कर दूंगा पर उसको ये उसने ग़लत कह दिया ये भी गलत कह दिया बहुत गलत कह दिया अफसोस वाली बात है यार अफसोस वाली कि जब वो उसने उसको फायर मारा होगा उसके जमीर ने उसको कैसे इजास दी हम ये सोच कर हर यार बहुत परेशान है हम उसको ऐसा क्यों किया तो किस जिसकी उलादे नहीं हैं यार उनसे पूछो जिसकी बेट बच्चा छोड़ो बेटा छोड़ो बच्ची भी नहीं है छोटी सी वो दूसरों मैंने कई देखे हैं वो दूसरी दूसरों के घर जमती हैं पैदा होती है पर दूसरे जिनकी नहीं होती वो उठा लेते यार उसने ऐसा क्यों किया क्यों किया नहीं करना चाहिए था उसको छोटी सी बच्ची छोटी सी बच्चे को उसने मार दिया गलती कर दी उसने यार माशर वाले दिन वो बच्ची ही इससे हिसाब लेगी ये देख लेना बहुत अफसोस वाली बात है तो दोस्तों आपने देख लिया सुन लिया ऐसा ना करना न किसी को करने देना जब बेटी घर में पैदा होती है तो बीस दिन रहमत बरसती है रब अल्लाह ताला उस घर में रहमत देता है बीस दिन रहमत देता है तो दोस्तों जिसको पाँच दिन हुए थे उसने तो रहमत लेके आनी थी और उसके बाप ने उसको मार दिया अल्लाह मेरी तोबा मैं माफ़ी चाहता हूँ यार मैं माफ़ी चाहता हूँ कि उसको उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था अभी उसको भी मौत होगी सुनने में आता है कि उसकी हमारे हमारे जैसे इंसानों से पूछ रहे हैं कि जिसने ये कदम उठाया उसकी मौत क्या होनी चाहिए तो आप बताओ उसकी मौत क्या होनी चाहिए मुझे कमेंट में बताना तो दोस्तों मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई है तो इसको लियक और शुरू कर देना लेख जरूर कर देना ताकि मैं हर नहीं आने वाली वीडियो आप तक ले के पहुंच सकूं तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़